दोस्तों नमस्कार। आज एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ सोशल मीडिया पर सब दोस्तों के साथ एक सफर हफ्ता। कुछ अनुभव आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा, उन दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहूंगा जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा साथ निभाया, जिनके पास कांग्रेस का कोई पद नहीं था, कांग्रेस का कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं थी, जो लोग आराम से जॉब कर रहे थे, पढ़ रहे थे या बिजनेस कर रहे थे। 2014 में जब एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति इस देश की गद्दी पर बैठा तो शायद हमें चैलेंज लगा, हम सबको चैलेंज लगा कि हम देश से अपनी जिम्मेदारी छुपा के नहीं भाग सकते। हमारे पास था तो कुछ नहीं, जमीन पे लेके झंडा नहीं लेके जा सकते थे, झंडा लेकर के आंदोलन भी नहीं कर सकते थे। सोशल मीडिया ने वो प्लेटफॉर्म दिया, खासतौर पर फेसबुक ने सबसे शुरुआत, जिसको बहुत कम कांग्रेसी उस टाइम जानते थे, और जिस फेसबुक की वजह से भाजपा ने धमाल मचा दिया था और वो सत्ता में आ गए थे। बहुत कम इंटरनेट यूजर्स थे उस टाइम। मैंने अपना पहला कंप्यूटर अपने बेटे के कहने पे खरीदा था 2006 में, छोटे थे तो कहते थे कि कंप्यूटर करना है तो मैं ठीक है डेस्कटॉप ले आते, 25,000 में वो डेस्कटॉप में लेके आया था। तो सिंपली उस पर रहते थे तो ट्विटर पर भी अकाउंट खोल लिए, सोशल मीडिया पर अकाउंट खोल लिए, थोड़ा बहुत देखा, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, कोई अच्छी सी मॉडल लगी तो उसको भेज दिया फ्रेंड रिक्वेस्ट, जानते हैं ना शरारती होता मन। और तब से लेके अब तक तो बहुत टाइम बीत चुका है, 6 से 18-12 साल। तब मैं 32 का था, आज 44 का हो चुका हूं। उसके बाद ओंकारेश्वर का प्रोजेक्ट था, उसके बाद हम लोग करछम बांगटू ट्रांसफर हुए डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। उसी दौरान थोड़ा और एक्टिव हुआ, फोटो वगैरह डालने शुरू किए, लोगों से सोशल मीडिया पे इंटरेक्शन शुरू हुआ। और उसके बाद आया सन 2014 जिसने मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल के रख दी, मेरी ही नहीं मेरे जैसे कई और लोगों की जिंदगी बदल दी। उन्हें लगा कांग्रेस की हार से कि उनको चुनौती पर्सनली दी गई है मोदी जी के द्वारा, कांग्रेस की हार से गांधी परिवार पर लगने वाला हर इल्जाम लगता था कि वो हम पर लगाया जा रहा है, हमें गुलाम बोला जा रहा है। गुलाम तो नहीं कह सकते क्योंकि ये जो कर्ज है ना गांधी फैमिली के बलिदान का, हम जैसे देशभक्त या कोई भी भारतवासी उतार नहीं सकता उस कर्ज को। 7 बार मर जाओ तब भी नहीं उतार सकते आप। इससे बड़ी की सरकार कभी नहीं आई। जब भी कांग्रेस का गांधी परिवार आया मैदान में तो कांग्रेसियों ने ही कांग्रेस का विरोध किया, मोरारजी देसाई थे इंदिरा जी का विरोध किया, मतलब देश को स्टेबल नहीं रहने दिया है आज तक जब भी कांग्रेस की सरकारें रही। 2000 के बाद एक गोल्डन एरा देखने को मिला डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार का, एक ऐसे इकोनॉमिस्ट जिन्होंने हमारी तनख्वाह 3500-3600 रुपए हुआ करती थी उस टाइम पे, अचानक से जंप मारा और उस 25,000 पे पहुंच गई थी। उस जमाने में कोई छठी नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था। ये 2014 से पहले की बातें बोल रहा हूं, अभी सोशल मीडिया के बारे में बोलना बाकी है। चलिए वो बातें अलग छोड़ देते हैं, दूसरी बातें वो करते हैं। सोशल मीडिया का अपना सफर कांग्रेस के साथ, धीरे धीरे जब ये चैलेंज लगा तो हमने फेसबुक पर एक ऐसा नेता जिसमें नेताओं जैसे गुण नहीं है, मतलब नेताओं की एक परिभाषा यह है वो छल बल में और मतलब सारे ऐब हैं उसके अंदर, तो राहुल गांधी को हम इसलिए पसंद करते थे, करते हैं करते रहेंगे कि उनके अंदर छल बल नहीं है, जो बात वो बोलता है बंदा वो कर देता है आम आदमी की तरह। उसके बारे में पता नहीं क्या क्या फैला दिया गया, हम लोग भी उतराए
गुस्से में सोशल मीडिया पर, और फिर दोस्त बनते चले गए, और कुछ ऐसे खास दोस्त हो गए जो आज तक हैं और हमेशा बने रहेंगे। उन दोस्तों का नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने बिना किसी पद की लालसा के साथ सोशल मीडिया के लिए, कांग्रेस के लिए काम किया, और उनके पास अभी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उनके पास अपना कोई रिकॉग्निशन नहीं है, शायद राहुल गांधी जानते भी नहीं होंगे उनको, कोई नहीं जानता उनको, लेकिन वो पागलपन से भरे हुए हैं, वो 24 घंटे लगे रहते हैं। बहुत से दोस्त हैं जिनमें प्रमुख नाम में कुछ लेना चाहूंगा, पंजाब के हैं, कांग्रेस वर्ड चलाते हैं, उनका पेज लाइक किया जाता है फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, उनके कांग्रेस के पेज से ज्यादा लाइक्स और रिचेस हैं, जसदीप। दूसरे हैं बिहार के युवा जो कांग्रेस से भी नहीं जुड़े थे, एक लड़का मासूम सा, बचपन से बस फोन पे हम लोग बात करते रहते थे घंटों, आयुष कुमार मिश्र। फिर कपिल गर्ग, शमशेदा हमारे संपर्क में आ गए, और एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल था हिमांशु भाई का, जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस आईटी सेल में थे, उनसे बात होती रहती थी कभी कभार, तो उनसे इंस्पायरेशन मिलती थी कि चलो साहब इतना बड़ा आदमी, प्रदेश लेवल का आदमी, हमारी बात सुन तो लेता, फोन तो उठा लेता। और फिर नीलेश नूर, ये छोटी छोटी चार पंक्तियों में बड़ी गहरी मार किया करते थे, इनसे हम बड़े इंप्रेस थे, आज भी हैं, कहीं नहीं गए। और ओमकार सिंह ढिल्लन, श्रुति, प्रकाश श्रुति नाम से जो आईडी बना रखी थी, उन्होंने तो एक पूरा प्रोग्राम हाईजैक कर लिया अपने डॉक्टर साहब के साथ, उन्होंने एक प्रोग्राम भी कराया था दिग्विजय सिंह जी के साथ, तो हमारा मनोबल बड़ा था। मुकेश, दीपक शर्मा, आशुतोष, दीपक विराट पुरोहित, रामवीर तिवारी, ये कुछ ऐसे नाम है जो मेमोरी में फेड हैं। और मंजू दीदी, बहुत सारी दीदियां हैं जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन होता क्या था कि मैं आर्टिकल लिखता रहता था, उन सबकी शिकायत रहती थी कि मैं इनकी पोस्टल ऐड नहीं करता हूं, कमेंट नहीं करता हूं, बहुत सारे दोस्तों की शिकायतें थी। अब जॉब भी थी साथ में, अब फेसबुक पे 24 आवर तो रह नहीं सकते, हर एक पे कमेंट तो कर नहीं सकते, क्योंकि एक आर्टिकल लिखने में और उसको पोस्ट करने में भी टाइम लग जाता है, और अब जब से ये यूट्यूब शुरू किया है तब से तो और कम टाइम मिलता है, इसी एडिट में निकल जाता है मेरा टाइम काफी हद तक, अपनी बात आपसे कहने तक। सरदार जगमोहन सिंह छत्तीसगढ़ से हैं, दीपक शर्मा नोएडा से हैं, एडवोकेट हैं, कपिल गर्ग दादरी से हैं, ओमकार उत्तराखंड से हैं, इशिता सिधा उत्तराखंड से हैं, शमशेदा तैयब उड़ीसा से हैं, मुकेश जी बॉम्बे से हैं, तेलंगाना से हैं, श्री नाम है उनका अयप्पन साहब, वो आंध्र प्रदेश से कृष्णा, और मध्य प्रदेश में सेना जी के खास कृष्णा राठी जी, ये लोग बाद में आए, लेकिन उतना एक कोऑपरेशन नहीं होता है कि जो जुड़े हुए होते हैं वो वही चीजें शेयर करते हैं जो उनको दिल में लगता है, बड़े लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग पीछे छूट गए जिनको रिकॉग्निशन नहीं मिला कांग्रेस के अंदर, जिसको शायद सोशल मीडिया ने पहचाना भी नहीं। थोड़ा फील तो होता है 2014 से जो लोग लगे हैं उनके बारे में ही फेसबुक से या कहीं से कोई आकलन निकल के नहीं आता है, तो आदमी हार कर थक कर बैठ जाता है, फिर उसका एक दूसरा रूप हो जाता है। हाँ, इस विषय का नाम लेना भूल गया, अनाम विद्रोही, ये ऐसा नाम है, इसने बहुत मेहनत की है सोशल मीडिया पर, अनाम विद्रोही, उनकी तारीफ करना चाहूंगा, उन्होंने बहुत सारे युवाओं को आकर्षित भी किया और उनको मोटिवेट भी किया। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता था, लेकिन 24x4 अनाम विद्रोही का जो सहयोग है उसको भुलाया नहीं जा सकता, किसी का भी सहयोग नहीं भुलाया जा सकता। लेकिन मेरी आदत है कि जब भी
सोशल मीडिया की सीरीज 2 आएगी, तब तक इंतजार कीजिए, धैर्य रखिए, बहुत सारी बातें बाकी हैं, मुलाकातें बाकी हैं, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल पर और अपनी राय भी दीजिएगा सोशल मीडिया के बारे में। सारे लोग जो भी वीडियो देखें अपने कमेंट में राय जरूर दें और शेयर भी करें पसंद आए तो, या लाइक भी करें पसंद आए तो, बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।